सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका जो लक्ष्य जीवन का वो निर्धारित होना चाहिए। वो बालक 5 वर्ष का है लेकिन वो परमात्मा को पा जा रहा है। क्या था उसके जीवन में विशेष? उसके जीवन में लक्ष्य था और उस लक्ष्य के लिए वो घने वन में बिना किसी डर के, जानवरों के भय के, बिना मृत्यु है नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, भूख कैसे आएगी, प्यास क्या क्या होगा, क्या कुछ नहीं सोचा, वो बढ़ गया। ये जो सूत्र है ध्रुव का, ये है जीवन की सफलता का सूत्र। आज जितने लोग, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो या बिजनेस में हो या नौकरी में हो या पढ़ाई में हो या एजुकेशन किसी में भी हैं, उन सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक आपकी लाइफ में एक डिटरमाइंड गोल नहीं होगा, जब एक लक्ष्य नहीं होगा निर्धारित, तब तक जीवन में कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। और आज तक किसी को नहीं मिला। आज तक का रिकॉर्ड है, जितने लोगों ने भी पाया है वो बहुत बहुत डेडिकेट होकर पाया है। आप जब तक अपने लक्ष्य के प्रति निर्धारित नहीं हो जाएंगे, कमिटेड नहीं हो जाएंगे, संकल्पित नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको मिल ही नहीं सकता। आप चाहे कुछ कर लीजिएगा। आप स्कूलिंग में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप किसी भी हैं, स्कूल, व्यापार, नौकरी किसी में भी हैं, यू हैव टू डिसाइड योर गोल। आपको डिसाइड करना पड़ेगा और डिसाइड करने के बाद आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा। और जब भागोगे तो आपकी नजर में सड़क नहीं होगी, आसपास नहीं होगा, पैरों के नीचे जमीन है या कांटे हैं क्या, ये नहीं होगा। आपकी आंख में सिर्फ आपका गोल होगा। और जिसने ये कर लिया उसको किसी तरह के गोल की तो छोड़िए, गोविंद को पाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिसाइड कीजिए कि आपको जो चाहिए उसके लिए आप कर क्या रहे हो, सिर्फ कह ही कह रहे हो या फिर आप पीछे पड़ चुके हो। एक पुरानी कहावत है कि बिना पागल हुए किसी को कुछ नहीं मिलता, तो वो शब्द गलत नहीं है। जब तक आप किसी चीज को पागलपन के तरीके से पीछे नहीं पड़ोगे, चाहे वो दुनिया का कोई भी आयाम हो, आप सफल नहीं हो सकते। इस ध्रुव के जीवन की एक स्थिति को समझ लीजिए कि इसने सोच लिया कि मुझे तो वो चाहिए, अब उसको मालूम ही नहीं था कि कैसे मिलेगा। लेकिन देखिए, ध्रुव ने सोचा कि मुझे ये चाहिए, उसे कुछ नहीं मालूम, कोई एबीसीडी नहीं मालूम, बस उसको इतना मालूम था कि ऋषि लोग तपस्या करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो मैं भी करूंगा। वो दौड़ पड़ा, उसको कोई एबीसीडी नहीं मालूम, लेकिन उसका विचार सशक्त था, उसका विचार मजबूत था, उसका विचार महान था, उसके विचार की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि नारद जी को नीचे आना पड़ा। समझिएगा, इस पूरी दुनिया की डिजाइनिंग विचार है, विचार आपका हमारा विचार, थॉट। दुनिया में जितने लोग सफल हैं वो अपने विचार की ताकत से सफल हैं, शरीर के काम करने से सफल नहीं है। शरीर से सबसे ज्यादा काम तो मजदूर करता है, सफल उसको भी हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। विचार से सफलता मिलती है। जब भी हम कोई विचार करते हैं, इसका विज्ञान भी समझना पड़ेगा, जब भी हम कोई विचार करते हैं वो विचार सबसे पहले ये इस जगह, ये हमारी आईसी आज्ञा चक्र, वो विचार यहां टकराता है इस जगह पर। जब वो इस जगह टकराएगा तो यहां से ये जो क्षेत्र जिसको शिखा क्षेत्र बोलते हैं, चोटी बांधी जाती है, जो ये जो जगह है जिसको सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, सुप्त दिमाग भी बोलते हैं, इस जगह से लेके इस जगह तक 72 नाड़ियां जा रही हैं, बहुत बारीक हैं, धागे से भी पतली हैं, वो नसें नाड़ियां हैं, वो यहां से यहां जा रही हैं 72। तो जब आप कोई विचार करते हैं तो यहां से वो विचार उस नाड़ियों के द्वारा यहां तक आता है और इस जगह से फिर वो बाहर निकलता है, बाहर, और तरंगों के रूप में पूरी प्रकृति में तैरता है। तो जो भी आपने विचार किया वो तैरेगा, फिर प्रकृति मां क्या करती है, प्रकृति मां उसको यस करती है, कभी नो नहीं करती, प्रकृति मां उसको यस करती है और वापस विचार को आपकी और तरंगों के रूप में फिर धकेल देती है। फिर वो विचार तैरता तैरता आप तक आता है और फिर वो यहां से टकराता है। लेकिन
जब वो टकराता है उस समय अगर वो विचार अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा, वो जो आपने सोचा था अगर वो अवेलेबल है तो वह यस होगा, वरना वो विचार फिर वापस तरंगों के रूप में वापस चला जाएगा। द मीन इज दिस कि आप जो सोच रहे हैं वो सोच तो लिया, पर क्या सोचते रहे? अगर सोचते रहे तो वो काम होगा, वरना नहीं होगा। ये विज्ञान है और ये दुनिया में कोई कर ले उसको रिजल्ट आ जाएगा, कोई कर ले। लोग कहते ना सफलता नहीं मिल रही, सफलता सफलता तो गुलामी करती है इंसान की, मिलती कैसे नहीं, मिलना मिलना तो बात की चाह छोड़ दो, लेकिन व्यक्ति के पास विचार होना चाहिए। ध्रुव के पास विचार था। आज माता पिता को चाहिए बच्चों को सबसे ज्यादा विचार पे काम करना सिखाए और खुद भी सीखे विचार क्या होता है। विचार जिंदगी बनाता है, आपका विचार आपको महान बनाता है, आपका विचार आपको बेकार बनाता है।